भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम सोलन साथ लगती मशीबर पंचायत में आयोजित किया गया। इस मौके पर अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष बलदेव कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वही महामंत्री नंदराम कश्यप और उपाध्यक्ष रीता कश्यप विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और करीबन 100 पौधे भी रोपित किए, जिसमें ज्यादातर औषधि पौधे ही लगाए गए। ये अभियान 15 अगस्त तक जारी रहेगा। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य प्रकृति को बचाना है, ताकि ग्लोबल वार्मिंग से देश को बचाया जा सके। अधिक जानकारी देते हुए पदाधिकारियों बलदीप कुमार, नंदराम कश्यप और रीता कश्यप ने बताया कि अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा मशीबर पंचायत में कचनार के पौधे रोपित किए गए। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य जहाँ एक ओर प्रकृति को बचाना है, वहीं दूसरी ओर गाँव वासियों की आर्थिकी को भी सुदृढ़ करना है। उन्होंने बताया कि कचनार के पौधे से गाँव वासियों को जहाँ एक और कचनार मिलेगा, जिसे वे बाजार में बेच सकेंगे, वहीं कचनार के वृक्ष से पशुओं के लिए भी चारा मिलेगा। पौधारोपण का सबसे बड़ा फायदा ये है कि प्रकृति का संतुलन बनाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि शहरीकरण से वायुमंडल दूषित होता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि कंक्रीट के जंगल खड़े होते जा रहे हैं, जिसके चलते वनों की बलि दी जा रही है। इसलिए प्रकृति को बचाने के लिए अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा पौधारोपण किया गया। आज मशीबर पंचायत के लखड़ांजी गांव में सोलन मंडल अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा आयोजित इस पौधारोपण में हमारे साथ है सोलन मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष श्री बलदेव जी, हमारी जिला में उपाध्यक्षा श्रीमती रीता जी, यहाँ से बीडीसी मेंबर श्रीमती संध्या जी, जिला के महामंत्री एससी मोर्चा के श्री लक्ष्मी जी और अनुसूचित जाति की पूरी टीम और वन रक्षक के रूप में हम सब के मध्य इस कार्य को जिन्होंने संपन्न कराया, रविंदर जी और मुनीश जी। आज इस पुनीत कार्य के लिए मैं जहां सर्वप्रथम एससी मोर्चा को बधाई देना चाहता हूं कि समाज में अपनी सहभागिता को दिखाते हुए और समाज के लिए हम किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं, इसके लिए आज इन्होंने यहाँ कार्य किया और कचनार के 101 वृक्ष लगाए। अगर हम कचनार के विषय में जानें तो ये एक औषधि पौधा भी है, जिसका जिक्र आयुर्वेद में होता है। और इसके अलावा जब हमारी आर्थिकी की बात हम करते हैं तो लगभग 80 और 100 रुपये किलो कचनार हमारी जो बाज़ार में बिकती है। इसके अलावा पशुओं के लिए चारा भी हमें कचनार के इस वृक्ष से मिलता है। तो मैं एससी मोर्चा के सभी पदाधिकारियों को दिल से साधुवाद देता हूं कि इन्होंने एक अच्छी सोच को रखते हुए ये निर्णय लिया कि हम वृक्षारोपण करेंगे, लेकिन वृक्ष वो लगाएंगे जिससे लोगों की आर्थिकी भी सुधरे और उनके घर के चारे के काम भी आए पशुओं के लिए। इसके अलावा यहाँ जो अलग से एक बात देखी गई, और रीता जी, संध्या जी और बलदेव जी और इनकी पूरी टीम ने जहाँ वृक्ष लगाए वहीं उसके साथ साथ कांटेदार जो झाड़ियाँ लगाकर उसकी प्रोटेक्शन के लिए पहला कदम उठाया। इस वृक्षारोपण में ये अपने आप में एक उदाहरण इन्होंने पेश किया है। तो मैं इनको पुनः इस वृक्षारोपण के लिए और आने वाले जो लगभग इनका लक्ष्य 501 पौधे लगाने का है और वो लगभग 15 अगस्त तक ये कंप्लीट करेंगे जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। और एससी मोर्चा का हम जो है वो अपनी पंचायत में स्वागत करते हैं। इन्होंने जो ये पौधारोपण हमारी पंचायत में किया है, इसका जो है हम पूरा लाभ उठाएंगे और इसका ध्यान भी रखेंगे। ये पौधे जो है हमारे लिए लाभदायक है और ये औषधि पौधे भी हैं और इसकी जो है पत्तियां पशु के लिए भी लाभदायक हैं और इससे हमें जो है वो काफ़ी फायदे होंगे। तो हम जो है वो एससी मोर्चा जो है मंडल हमारा जो है इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इन्होंने जो हमारी पंचायत में जो है ये मुहिम चलाई है। मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहूँगा कि सभी लोग वृक्ष के महत्व को समझें
कि वृक्ष हमारे जीवन में कितने ज़रूरी होते हैं, इनका क्या महत्व है हमारे जीवन में, क्योंकि वृक्ष अपनी पूरी ताउम्र तक परोपकार की ही भावना से जीते हैं, जो हमारे विभिन्न कामों में काम आते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि प्रकृति को बचाने के लिए, अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, ताकि हम इस प्रकृति को भी बचा सकें और प्रकृति के साथ खुद को भी बचा सकें। क्योंकि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की वजह से व शहरीकरण की वजह से वायुमंडल इतना प्रदूषित हो चुका है कि जिससे वैश्विक तापमान जो है हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो आने वाले मानव जाति के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए मैं आपके माध्यम से समस्त मानव जाति से ये निवेदन करता हूँ कि अपने क्षेत्र में जहाँ भी हो, चाहे वो किसी दल से हो चाहे दल का ना हो, परंतु हर जगह वृक्ष का आप रोपण करें,